गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे साथ में संदीप जी एंड डॉक्टर विनोद सर। नमस्कार। तो अभी हम लोग आए हैं टर्मिनल 1 पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई, और हम लोग जाने वाले हैं जम्मू बर्डिंग के लिए, द फाइनल डेस्टिनेशन। यस। We are boarding. Yes. Yes. Wow. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी रूम पे। ये आप जम्मू का नज़ारा देख सकते हैं दोपहर का। जरा मूंछों पे हाथ ताव मार दीजिए। हेलो। अरे वाह, मूंछों हो तो ऐसी। नीतू सिंह जैसी। नीतू सिंह जैसी। वाह, थैंक यू, थैंक यू। और ये गर्मा गर्म खाना खुशी जी ने दिया है। तो सर हमारा सादा खाना है। अच्छा। तो खाना खा के अभी हम लोग बर्डिंग के लिए निकले हैं। हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर परमिल जी है सर। हेलो जी। और परवेश जी है। अभी हम निकले हैं घराना गांव की तरफ, जो कि यहां से 1.25 घंटे की दूरी पे है। सरसों नहीं है ना ये? सरसों भी है। इसमें सरसों भी है ना, पीले फूल वाली? पीले फूल। ये आप क्या काट रहे थे? ये जबदर। 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 जबदर बोलते हैं। इन खेत खलियानों में हम ढूंढेंगे एक स्पेशल कौवे को, जिसके लिए हम खास 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए देखते हैं इस खास कौवे का हैबिटेट। पूरे हिंदुस्तान में ये सिर्फ जम्मू और लद्दाख में दिखाई देते हैं। सो जी हाँ, आप सोच सकते हैं कितना स्पेशल है ये कौवा। एंड फाइनली ये मेरे सामने हिंदुस्तान का एक बहुत ही स्पेशल कौवा है, जिसका नाम है रुक। एंड लाइफर इज डन। थैंक यू परवेश जी, थैंक यू परमिल जी। और ग्रेट। अरे वाह, फ्लाइट भी मिला है। संदीप सावन हमारे फ्लाइट मास्टर। अरे वाह, बढ़िया फ्लाइट शॉट परवेश जी, मस्त मिला है।
और अभी हम लोग एवियंस पैराडाइज घराना वेटलैंड यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो महज 2 किलोमीटर है। ये जो रास्ता है ये सीधा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, और सबसे अच्छा रुक का जो साइटिंग था पूरा, और उसकी वजह से आज पूरा दिन बन गया एकदम बढ़िया। yes. रुक ने भी साइटिंग दिया। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विश यू मेनी मोर लाइफर्स फ्रॉम श्रीनगर। यस यस, डॉक्टर परमल विल आल्सो जॉइन मी। यस, एटलीस्ट फॉर अ डे। यस, पक्का। और अभी ठंड में सबकी 12 बज चुके हैं। ये देखिए, हीटर के साथ में बैठा है। बस अभी खाना खा के मस्त सो जाना है। हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर तक जाके आए थे, और बॉर्डर पे जाके हमने चाय पी, वो भी एक एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था। नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो वो हमने नहीं की वहाँ पे, लेकिन वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल ये अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइए सीखने के लिए यहाँ पे।